हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिशा एजुकेशन में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो मध्य प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी आने आई हुई है 25,000, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से उसमें कौन सी जॉब आई है, जिस कॉन्स्टेबल में, एसआई में कौन सी जॉब आई है, शिक्षक की कौन सी जॉब आई हुई है और कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा, कहीं जाइएगा मत, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका इतना वेट करने का, क्योंकि आप कितने सालों से ही इसका वेट कर रहे थे। अभी अभी ये वैकेंसी आ चुकी है, तो आप इसको पूरे वीडियो देख के जाइएगा। ठीक है, हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी निकाली हुई वैकेंसी है, ठीक है, कांस्टेबल की, पुलिस अध्यक्ष की, और अपने देखा जाए तो शिक्षक की 25,000 पर निकाली हुई है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आगे चल के देखने वाले हैं। ठीक है, मैं इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कांस्टेबल, एसआई वगैरह की सब की जो भी रहता है, उनका जो भी सिलेबस रहता है, फिजिकल रिक्वायरमेंट रहती है, वो पूरी बता चुका हूँ। अब चलते हैं अपन आगे। तो ये देखिए, यहाँ पर उपचुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया गया, अफसरों को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। 25,000 सरकारी पद जल्द से भरे जाएंगे, इनमें से 15,000 पद शिक्षकों के लिए हैं। राज्य सरकार विभिन्न विभागों में खाली पड़े 25,000 पद जल्द भरने जा रही है, इनमें 15,000 पद शिक्षक के जबकि 10,000 अन्य विभागों के हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को अफसरों के साथ बैठक में पदों की जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर पर होने वाली कार्यवाही शीघ्र करें। विभागीय स्तर पर समीक्षा कर पूरी रिक्त पदों की पूर्ति की जाए, कहाँ कितने पद खाली और कहाँ कितने भरने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर पुलिस जो आरक्षक है उसके 3,272 है, कृषि अफसर के 863 है, आरक्षक रेडियो के 493 हैं, राजस्व निरीक्षक के 372 है, आईआईटी अधिकारी के 302 हैं, उपयंत्री के 75 है, स्टेनोटाइपिस्ट के 239 है, सूबेदार एसएसआई के 187 है, भृत्य चौकीदार खुक के 376 है। ठीक है, लेखक सहायक ग्रेड के 3 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि सांख्यिकी अधिकारी है, ड्राइवर, वॉचमैन, इनके भी पद अभी खाली हैं। ठीक है, इसमें शिक्षक के लिए 6.57 लाख आवेदन होते हैं। अगले कुछ महीनों में पीआईबी करीब 10,000 पदों के लिए परीक्षा आयोजित करेगी। शिक्षकों के लिए उन्हें 6.57 लाख आवेदन मिले हैं। तकनीकी शिक्षा, पशुपालन व कृषि विभाग के लिए विभिन्न पदों के लिए पीआईबी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ये परीक्षाएँ आपके 2 अक्टूबर में प्रस्तावित हैं। तो आपके ये देख लीजिए, ये आपके अभी आने वाली है, ये वाली जॉब्स सभी, ये वाली पूरी जॉब्स आपके आने वाली हैं। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिएगा, मैंने अब ये अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।